अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो आज की ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि आज की इस वीडियो में लॉ एडमिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो अपडेट आई है वो आपसे शेयर करूंगा। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको टेस्ट देंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। तो आज की वीडियो लॉ में एडमिशन के लिए बहुत अहम है। तो अगर आपने लॉ में एडमिशन लेना है तो आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस तरह आपने अप्लाई करने है, कितनी फी है, आपका लॉ में एडमिशन टेस्ट के लिए पैटर्न क्या है, वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया इसको फॉलो कर ले, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। सो आपका जो अप्लाई है लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए वो शुरू हो चुका है। अगर आपने लॉ में एडमिशन लेना है, लॉ एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। 100 मार्क्स में से आपके 50 मार्क्स होंगे तो आप पास कर लेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट को, तो आपको एडमिशन जो है किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो आपने अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। etc.hac.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई जो है वो 8 मई 2024 है। 8 मई तक अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो 8 मई तक आप अप्लाई करेंगे इसमें, और हो सकता है बाद में इसकी डेट एक्सटेंड भी करके 15-20 दिन का टाइम आपको मजीद भी दे दिया जाए, और हो सकता है ये भी कहा जा रहा है कि 26 मई तक इसमें अप्लाई की डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी और जून के एंड पे जाके आपका टेस्ट होगा। इसके तैयारी के हवाले से पास पेपर्स नोट्स इसी चैनल पे ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, उनको जाके आपने लाजमी तौर पर चेक कर लेना है, उधर से तैयारी कर लेनी है, उनको देख लेना, ताकि आपकी कुछ ना कुछ तैयारी हो जाए। आपका जो है एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद आपका जो है कुछ 25% का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपके मैथ पोर्शन होगा 5 नंबर का, उसके बाद आपके एमसीक्यूज उर्दू के 10 नंबर के होंगे, पाकिस्तान स्टडीज के 10 नंबर के होंगे, इस्लामिक स्टडीज के आपके 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद आपके जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद आप पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी होगी जो कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट है 10 नंबर का, और 15 नंबर का आपका ऐसे आएगा। तो पास पेपर में से ही ज्यादातर जो पेपर है वो आपका आता है। अगर आप पास पेपर्स को ही अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप जो है तकरीबन इसको क्लियर कर ही लेंगे, आप लकीर जो है वो टच कर लेंगे, पास कर लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे नोट्स वगैरह लेके, तो इंशाल्लाह आप इसको क्लियर कर लेंगे। आपका जो इसमें आपने अप्लाई करना है वो सोर्स, इसमें अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आप इसमें अप्लाई कर लें 8 मई तक। और बाकी इसमें जो आपके अप्लाई के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, आपके स्टूडेंट जिसने अप्लाई करना है, जिसने एडमिशन लेना है, उसका जो CNIC फॉर्म है, आपका जो CNIC है या फिर बे फॉर्म है वो रिक्वायर होगा, फादर CNIC रिक्वायर होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम आपको रिक्वायर होगा, टेस्ट सेंटर आपने टेस्ट किस सेंटर में देना है वो आप जो है पुट करना होगा अप्लाई करते वक्त, FSC फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड आपको रिक्वायर होगा, ईमेल यूज फॉर द अकाउंट क्रिएशन आपने जो है वो यूज करनी होगी, उसके बाद मोबाइल नंबर आपने यूज करना होगा अकाउंट क्रिएशन के लिए, पासपोर्ट साइज पिक्चर विद क्लियर फेस भी आपका रिक्वायर होगा एडमिशन के लिए लाला में अप्लाई के लिए। इसके बाद सोर्स आपके जो ऑनलाइन वोचर है फी का वो तकरीबन 1810 रुपए का होगा, और ये आपने जो है इस तरह अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। टेस्ट सेंटर आपके जो है वो खुद आप चूज करेंगे कि आपने जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो कहाँ पे देना है। तो इसके हवाले से सोर्स आप बताना था आपकी टेस्ट फी 1800 रुपए, आप जो है सोर्स आपकी जो फी है वो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए या फिर जैज कैश के जरिए भी आप पे कर सकेंगे। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स आपको ओवरव्यू देना था, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर लें, और आपका ये लॉ एडमिशन टेस्ट हो सकता है कि मई के लास्ट पे ही, लास्ट वीक में ही कंडक्ट कर दिया जाए। तो बाकी ये एक्सपेक्टेड है, अप्लाई आप लाजमी तौर पर कर लें। बाकी मजीद भी पास पेपर नोट्स तैयारी के हवाले से मैं वीडियो इसी चैनल पर और भी शेयर करूंगा, पहले भी काफी सारा कंटेंट शेयर किया हुआ है, तो आप सुनो चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, मजीद जो भी अपडेट्स आएंगी आपसे इसी चैनल पर शेयर की जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।